प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए सिवनी जिले में रक्तदान कार्यक्रम का नेतृत्व कर ब्लड बैंक को केवलारी में 100 यूनिट, बरघाट में 104 यूनिट और शिवनी में 72 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। रक्तदान के प्रभारी के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य पीयूष दुबे देख रहे थे। रक्तदान में पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने 32वीं बार रक्तदान किया। वहीं घनसोर के सौरभ जैन के नेतृत्व में 30 युवाओं ने रक्तदान किया है। कार्यक्रम के समापन में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर दीपिका ठाकुर, ब्लड बैंक प्रभारी धीरेन्द्र भट्ट, एलपी बघेल सहित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच जहां जिला चिकित्सालय के सामने बहुत सारी चुनौती थी, वहां सबसे बड़ी चुनौती थी कि यहां पर रक्त की आपूर्ति लगातार नहीं हो पा रही थी, जिस कारण असहाय लोगों को रक्त नहीं मिल पा रहा था। और जो सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित हमारे जिले के 350 बच्चे, जिन्हें हर 15 दिन एक महीने के अंतराल में ब्लड चढ़ाया जाना था, उन्हें भी ब्लड नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी को निवेदन किया गया। उस आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी के आह्वान पर और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह में रक्तदान को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम सिवनी जिले में संचालित किया जा रहा है। इस निमित्त हम लोगों ने, ये हमारा आज तीसरा रक्तदान शिविर है। इससे पूर्व जो रक्तदान हमने किया तो केवलारी विधानसभा में 100 यूनिट और बरघाट विधानसभा में 104 यूनिट, और आज संभवतः हम लोग रक्तदान में 300 से ऊपर रक्तदान कर जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी को पूरा करने वाले हैं। ये बड़ा ही ऐतिहासिक मौका है जिसमें हम लोग लोगों की काम आने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह सामाजिक क्षेत्रों में आ रही विसंगति समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर ऐसे ही प्रयास करती है। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिसने मुझे जिला प्रभारी बनाकर सेवा का अवसर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।